नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मणि में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, मैं चित्रकूट धाम में हूं इस समय और यह चित्रकूट है। चित्रकूट धाम का रामघाट है, रामघाट जो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है चित्रकूट में। और यह आप लोग देख सकते हैं, रामघाट का पूरा नज़ारा देख सकते हैं। चित्रकूट के और भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल मैं बारी बारी आप लोग को दिखा दूंगा। फिलहाल ये जो बैग मैं टांगा हूँ, एक भाई का बैग है जो फिलहाल मैं बस ले लिया हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा दृश्य बहुत ही अलौकिक है। वहाँ पर एक मत्स्येंद्रनाथ मंदिर था करके, मत्स्येंद्रनाथ मंदिर वहाँ भी मैं आपको दिखाया हूँ, एक शॉर्ट वीडियो बनाकर मैं आप लोग को दिखाया हूँ। फिलहाल ये आप लोग देख सकते हैं, पूरा का पूरा रामघाट दिखा दे रहा हूँ आपको। ये आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा दर्शनीय स्थल। ये देख सकते हैं आप लोग, आइए मैं घाट के नीचे भी आप लोग को ले चल रहा हूँ। चित्रकूट में यह राम घाट है। यह देख सकते हैं चित्रकूट का राम घाट। यहाँ पर नाव सजी हुई है, जो यात्री आते हैं फिलहाल बैठते हैं, दर्शनार्थी नौका गमन करते हैं यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा। ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही मनोरम स्थल है। बाद में मैं आपको गुप्त गोदावरी भी दिखाऊंगा, कामतानाथ मंदिर का भी दर्शन कराऊंगा, लक्ष्मण पहाड़ी, हनुमान धारा, सती अनुसुईया का आश्रम, बहुत कुछ दिखाना बाकी है पूरा का पूरा चित्रकूट में, जो एक एक करके आप लोग को दिखाया जाएगा। यह आप लोग देख सकते हैं, यह चित्रकूट का राम घाट है और राम घाट वहां से लेकर वहां तक पूरा विस्तृत है। यह आप लोग देख सकते हैं, नौका सजी हुई है। अब पता नहीं, यहां हो सकता है कि शाम को कुछ आरती उरती वाला प्रोग्राम होता हो, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन्हें फिलहाल आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर चरखारी मंदिर, एक मंदिर भी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं, लगा तो बाढ़ आ ला ना, बाढ़ का पानी आया है। हाँ, बाढ़ जब पहाड़ पर पहाड़ पर जब बारिश होती है ना, वर्षा होती है, तो वहाँ की मिट्टी भर आती है, इसीलिए पीला पीला हो जाता है। तो एक देखिए, मैं एक तरह से जानकारी भी आपको दे दिया हूँ कि अगर नहर है या फिर नदी है, अगर उसका पानी पीला हो जाए तो जो पहाड़ों पर जब वर्षा होती है तो वही मिट्टी बहकर आती है। ये आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल यह रामघाट का अद्भुत नज़ारा। शाम को यहाँ पर शायद आरती होती है ऐसा सुनने को मिला है। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये सभी नौकाएं तैयार हैं नौका गमन करने के लिए। और वहाँ पर भी एक अद्भुत नज़ारा आप लोग को वहाँ भी मिलेगा, वहाँ पर भी घाट का अद्भुत नज़ारा है। लगातार राम नाम का उच्चारण हो रहा है, लगातार आप लोग देख रहे हैं कि किसी प्रकार से यज्ञ की धुन भी बज रही है। तो अपने आप में बहुत ही अद्भुत और अलौकिक आनंद मिल सकता है आपको। यहाँ जब भी चित्रकूट आइए तो रामघाट आइएगा, और रामघाट से आपको चित्रकूट के बहुत सारे दर्शनीय स्थल यहीं से प्रारंभ हो जाएंगे। यहीं से आप कामतानाथ मंदिर के दर्शन कर सकते हैं, यहीं से आप सती अनुसुईया के लिए, गुप्त गोदावरी के लिए जा सकते हैं, लक्ष्मण पहाड़ी के लिए जा सकते हैं, हनुमान धारा के लिए जा सकते हैं, बहुत सारे दर्शनीय स्थल आपको मिल जाएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। अब हम निकलते हैं, यह आपका रामघाट मैं आप लोग को ओवरव्यू करा दिया हूँ। कितना देर घुमाते हो? 15 मिनट। एक आदमी का 200 लगता है, फैमिली पूरा नाव बुक हो जाएगा। अच्छा, 200 में ना, 200 में पूरा पुल से मतलब। अच्छा, चार आदमी 200 रुपया देंगे पूरा उस पुल से लेकर उस पुल तक। अच्छा, अरे ठीक तो है। कितना देर के लिए भाई? 15-20 मिनट और। 15-20 मिनट, अरे बता दो ना। नमस्कार मित्रों, द प्रवीण मणि में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर देख सकते हैं चित्रकूट में रामघाट में, यह मंदाकिनी नदी है और यह पूरा का पूरा अद्भुत और अनोखा नजारा आप लोग देख सकते हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हैं, कितना अच्छा व्यू आ रहा है पूरा। ये आप लोग देख सकते हैं,
मंदाकिनी नदी रामघाट चित्रकूट में। और जब भी चित्रकूट में कोई दर्शन करने आता है तो रामघाट आता है, और रामघाट में स्नान करने के बाद, मंदाकिनी में स्नान करने के बाद मत्स्यनाथ मंदिर है वहाँ बगल में, वहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं और आते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा पहाड़ी भी नज़र आ रही है पूरी तरह से। यह आप लोग देख सकते हैं बिंद की पहाड़ी भी नज़र आ रही है पूरी तरह से, और बहुत ही बढ़िया अद्भुत अनोखा नज़ारा है मंदाकिनी का।